अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। चलिए आज हम बनाएंगे टमाटो दाल। टमाटो दाल के साथ कुछ और सर्व करने वाला हूँ मैं, वो भी बताऊँगा आगे। अपन बनाएंगे तेलंगाना स्ट्रीट स्टाइल ब्रेकफास्ट रेसिपी बता रहा हूँ मैं, या स्नैक रेसिपी भी बोल सकते हैं आप इसको। खारा पप्पल बना रहे तो उसके लिए हमें चाहिए टमाटो दाल। सो टमाटो दाल के लिए ये रेड दाल है, आप रेड दाल अच्छे से वॉश करके साइड में रखिए। चलिए अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अराउंड हाफ़ टी स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अराउंड हाफ टी स्पून। एंड देन बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, सिंपल स्पाइसेस में बन जाती है। अभी हम इसमें नॉर्मल स्पाइसेस डालेंगे, जस्ट इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए आप लोग। रेड चिली, ग्रीन चिली भी डाल रहे हो, रेड चिली ऐसे मल के डालिए डेढ़ चम्मच। हल्दी हाफ टी स्पून, बस खलास और कुछ नहीं। अभी यहाँ पर डालेंगे हम, देखिए इमली को वॉश करके इस तरह से डाल दीजिए। टमाटोस हाफ के जी, थोड़ा सा कोथमीर एंड 2 से 3 काड़ी करिया पक्के और 8 से 10 हरी मिर्ची, सब डाल के मिक्स करना है। इमली इसी तरह डालना है अपने को, पल्प नहीं डालना है। सो ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके आप पानी डाल के कुकर में विजल्स लगा देना है आपको। विजल्स देखिए आप 4 से 5 अच्छा दाल गलना है, लेकिन अपने को दाल गलने के लिए आप चाहे तो 6-7 या कितने भी विजल्स लगाइए, दाल गले तक विजल्स लगाइए। ये रेड दाल है, जल्द से जल्द गल जाती है, इसको टाइम नहीं लगता। सो अपन पानी डाल के, बस पानी डाल के अपन चढ़ा देंगे। 4 से 5 विजल्स होने के बाद मैं आगे बताऊंगा आपको। अपनी दाल माशाल्लाह से गल चुकी है। सो टेक्स्चर अपने को यही चाहिए, और ज़्यादा पतला नहीं करना है ना, तो और ज़्यादा इसको घोटना है, जस्ट ऐसी थोड़ा दाल दिखते रहना। एकदम स्वीट स्टाइल है ये, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी रहती है। अगर आप लोग एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मैं खाया इसीलिए घर पे बनाया मैं। सो तेलंगाना स्ट्रीट फूड है ये, कहीं भी आपको मिल जाता है। अभी इसमें हम थोड़ा सा बॉईल आने देंगे, बॉईल में थोड़ा सा करिया पत्ता डालिया पुदीना थोड़ा डाल दे के। अभी बॉईल आते ही अपन बघार डाल देंगे, सिंपल बघार है। इसमें खट्टा हुई और पानी कुछ नहीं चाहिए, बस इतना रखना है। अभी हम बघार के लिए खड़ी प्याज लेंगे, एक छोटी सी डली खड़ी प्याज, 4 हरी मिर्ची लाया स्लिट करी हुई, थोड़े से एक 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, देन थोड़ा सा करिया पत्ता, ज़ीरा एंड राई और सूखी लाल मिर्च। अपनी दाल अच्छे से बॉईल हो रही है, अभी हम बघार डालेंगे। बघार के लिए देखिए हम लेंगे थोड़ा सा लहसुन, लहसुन थोड़ा होते ही हम डालेंगे इसमें जीरा राई लाल सूखी लाल मिर्च। बैक टू बैक सब डाल दीजिए, क्योंकि अपने को ऑनियन भी होना रहता, ऑनियन भी थोड़ा सा रेड होना है। एंड देन आप इसमें डालिए 2 से 3 प्लेट करी हुई हरी मिर्च। तीन बार दाल देख लीजिए, दाल माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रही है अपनी। बस अभी स्टेज पे हम लोग ऑफ कर देंगे, कुछ नहीं। यहाँ पर आप स्पाइसेस चेक कर सकते हैं आप एक बार। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, क्योंकि प्याज गोल्डन हो गए तो बहुत अच्छा रहता, जैसे मीठी दाल में जो टेस्ट आता ना वैसी आता। जस्ट अभी देखिए लाइट हो गया, ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे, कड़वा हो जाता। सो अभी हम करिया पत्ता डाल के ऑफ 2 सेकेंड पका के ऑफ करेंगे। देखिए बघार को बस इतना ही रेड करना है, डार्क नहीं करना है। सो ऑफ करके अभी हम यह बघार दाल में डाल देंगे। ये बघार जाएगा दाल में अभी। चलिए अभी इसको कोई प्रेजेंटेशन किया फिर गार्निश की ज़रूरत है, आई होप कि नहीं है। देखिए माशाल्लाह अपनी दाल रेडी हो गई, टमाटे दाल बहुत ही टेस्टी। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते या फिर कोई और डिश के साथ भी साइड डिश में रख सकते, गोश्त तले हुए गोश्त। खट्टी दाल ही नहीं, टमाटो दाल भी बहुत टेस्टी रहती है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। सिंपल एंड इजी रेसिपीज के लिए फ्लेवर सब देखें ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं आपको खारा पप्पल की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं खारा पप्पल, जो तेलंगाना स्ट्रीट स्टाइल फूड है। उसके लिए हमें चाहिए देखिए 8 से 10 हरी मिर्ची, हाफ टी स्पून ज़ीरा एंड थोड़ा सा नमक ग्राइंड करेंगे, और करिया पत्ता को इस तरह से बारीक चॉप करके रखेंगे। पहले मैं ग्राइंड करके आगे का प्रोसेस बताऊँगा आपको। चलिए अब हम लेंगे चावल का आटा। चावल का आटा लेना है, 2 कप्स चावल का आटा लेंगे हम लोग। इस 1 कप से 2 कप ले लेंगे, ये कप देखिए माशाल्लाह से 100 ग्राम से भी ज़्यादा आ जाता है एक कप में। सो 2 ले लेंगे अप्रॉक्स। देखिए चावल का आटा इस तरह से रहता है,
बिल्कुल भी टेक्सचर ऐसा रहता है इसका, सॉफ्ट नहीं रहता। सो अगर आप लोग टाई सख्त नहीं खाते तो आप लोग एक पिंच सोडा डाल सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं डालूँगा इसमें चॉप करेगा करिया पक। आप चने की दाल भी चॉप करके, सॉरी ओवरनाइट सोक करके आप इसमें चने की दाल भी डाल सकते हैं। एंड सॉल्ट डालिए थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। एंड यहाँ पर अपन जो ग्राइंड करें वो वाला डाल देंगे, जीरा लाइस सॉरी ज़ीरा एंड थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल के, नमक डाल के ज़ीरा ग्राइंड करें ना, वो पेस्ट डाल देंगे अपन। और डालेंगे हमें इसमें से थोड़ा सा अदरक लहसुन। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, करीब करीब 250 ग्राम्स है ना। तो और थोड़ा अपन आटा ले सकते, देखिए माशाल्लाह ये पूरी की तरह रहते हैं, बहुत टेस्टी रहते हैं स्ट्रीट स्टाइल। तो अभी हम इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे पूरा सेम लाइक आटा, तेल की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा भूनने के बाद हम पानी डाल के अच्छा आटा बनाएंगे। अभी मैं पानी डाला, देखिए पानी डाल के आटे की तरह गूंदना है इसको, एकदम ज़्यादा टाइट नहीं, जस्ट अच्छा रोटी की डो की तरह बनाना है इसको। इस तरह से बना के छोड़ देंगे अपन डो, देखिए इस तरह से बॉल बनना है अपने को। तो अभी 5 मिनट ही रेस्ट देना है, ज़्यादा नहीं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखना। ये देखिए अपना आटा से अच्छे से हो गया। आप आटे को इस तरह से बॉल्स बना लीजिए, इस तरह से ऑयल पैकेट ले लीजिए, या फिर आप ऑयल पैकेट ही नहीं, आप बनाना लीफ अगर अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं। पैकेट तो बहुत ज़रूरी है, दूध की भी पैकेट ले सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से सिर्फ अपने हाथों का कमाल है, देखिए इस तरह से प्रेस करके राउंड शेप की पूरी की तरह बनाना है। हाथ को ज़रा ऑयल लगाना ज़रूरी है, देखिए देखिए इस तरह से ऑयल लगा के थोड़ा पतला ही बनाइए, क्योंकि मोटे बनाएंगे तो आटा आटा लगेगा। और मीडियम फ्लेम पे इसको तलना है, देखिए एजेस पूरे क्रैक हो जाते हैं, सो उन लोग को थोड़ा इस तरह से आप सील करते हुए अभी इसको डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे। अभी हम ऑयल में डाल देंगे, देखिए इस तरह से टूट जाते, बट फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह अच्छे ही हो जाते हैं। इस तरह से लिख करिए इन लोग को ऑयल में। अगर आप सोडा डालेंगे तो नरम रहते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सख्त रहेंगे। अभी वन मोर बताऊंगा आपको मैं, इस तरह से ऑयल लगा के जस्ट पेड़ा बना के। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है इस तरह से बनाना, तो आप क्या करिए एक साइड पेड़ा रख के दूसरी साइड ये कवर का फ्लिप करके, वो भी बताऊँगा मैं, इस तरह से बना सकते हो। अभी क्रंची भी रहते हैं आपको, थोड़ा सा नरम भी रहते हैं वो सारा पकड़। इस तरह से आप पेड़ा रख दीजिए, रखे ये कवर इस तरह से फ्लिप करके जस्ट इस तरह से कर दीजिए, या बेलन से रोल करिए, इंशाल्लाह ये भी अच्छे से बन जाता। जल्दी जल्दी पैक कर दीजिए। अभी निकाल के देखेंगे अपन ये क्या तक चला, कैसा बना। ये देखिए ये भी अच्छा ही बनेगा अपना, और अच्छा बना, देखिए पतला वाला। ये ऑयल में फ्राई हो गए अच्छे से, ये वाला कलर हरी मिर्ची डालेना तो अपना ऐसा आएगा, अगर आप हरी मिर्ची नहीं डालेंगे तो वाइट करते। देखिए अपना खारा पपल रेडी है विथ टमाटो दाल और चटनी के साथ रेडी है। देखिए ये तो जस्ट नॉर्मल ये नॉर्मल टमाटो की चटनी है, देखिए आप लोग, ये टमाटो दाल है, टमाटो की चटनी है, और ये वाले वाइट भी रख सकते हैं आप लोग। हम लोग थोड़ा सा कलर इसलिए हल्दी मिला के रहती ना, तो इसी अपने स्ट्रीट स्टाइल खारा पपल रेडी है विथ टमाटो दाल। आप इस तरह से भी जस्ट दाल और ये वाले खा सकते हैं, या फिर नहीं तो इस टमाटो चटनी या फिर कोई भी चटनी, भली तिल कौन सी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी एंड यम्मी स्नैक की नहीं ब्रेकफास्ट आइटम ही आप ट्राई करिएगा। अगर तेलंगाना कभी जाना हुआ तो पक्का खारा पपल ट्राई करिएगा, वहाँ का बहुत ही टेस्टी और मशहूर स्ट्रीट स्टाइल फूड रहता है। वो लोग थोड़ा मैदा मिलाते हैं इसीलिए वो थोड़ा वाइट कलर में ज़्यादा रहते, अपन मैदा नहीं मिलाते अपने को ये कलर आ गया। वो लोग देखिए आप लोग हैव ए लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह टेस्ट तो बहुत अच्छा रहता है। मैदा इफ्तार के लिए बनाया, आप लोग कभी भी बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक टाइम में कभी भी बनाइए, एंजॉय करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिएगा फ्लेवर्स ऑफ डेक्कन, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।